छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा व मनेंद्रगढ़ विधानसभा के पूर्व विधायक श्याम बिहारी जायसवाल से प्रदेश के विभिन्न विषयों पर डीडी समाचार चैनल हेड द्रोणाचार्य दुबे से खुलकर चर्चा हुई। आइए देखते हैं क्या क्या कहा श्याम बिहारी जायसवाल ने। इस वक्त हम मौजूद हैं मनेंद्रगढ़ के पूर्व विधायक एवं भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी के पास। आज हम उनके निवास स्थान पर पहुंचे हुए हैं और छत्तीसगढ़ प्रदेश के भाजपा की रणनीति किस तरह से है और क्या आगामी चुनाव को लेकर किस तरह से काम करने वाले हैं, इसको जानने के लिए आज हम पहुंचे हुए हैं। चूंकि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं किसान मोर्चा के, किसानों के प्रति भाजपा का क्या रुख है, भाजपा किस तरह से किसानों को लेकर देख रही है, आगामी विधानसभा में क्या रोल होगा भाजपा के, इन सारे मुद्दों को लेकर हम बात करेंगे और इसी पर चर्चा करने के लिए आज हम इनके निवास स्थान पर पहुंचे हुए हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है श्याम बिहारी जायसवाल जी। धन्यवाद। तो आगामी कुछ महीनों के बाद आचार संहिता लगने वाला है, चुनाव सामने नजदीक है जी, भाजपा की क्या रणनीति है? भारतीय जनता पार्टी का जो रणनीति है वो सतत रूप से संगठन का काम करना, और भारतीय जनता पार्टी ही हमारे देश में एक ऐसी पार्टी है जो एनी टाइम चुनाव के लिए तैयार रहती है। हमारी कार्यप्रणाली और हमारा काम करने का जो क्षमता है वो कार्यकर्ताओं पर आधारित है। हमारे बूथ स्तर तक की हमारी तैयारियां चल रही हैं और हम वार्डों तक नीचे तक जाकर इस बार भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। पिछले 15 साल का जो आपने वनवास काटा है, 15 साल, इन 15 साल बनाम 5 साल देखा जाए तो इसको किस रूप से देखते हैं? क्योंकि 15 साल के बाद भी आपकी सरकार वापस नहीं आ पाई और 5 साल में कहीं कांग्रेस जाने की ओर दिखाई नहीं देता है। पूरी मजबूती के तौर पर भूपेश बघेल आज मोर्चा संभाले हुए हैं। आपकी अगर स्थानीय बात किया जाए, स्थानीय डॉक्टर विनय जायसवाल भी काफी मजबूत स्थिति में, ऐसे में आप किस तरह से देखते हैं कि भाजपा को बहुमत मिलेगा और फिर से चुनाव जीत पाएगा, कम से कम मनेंद्रगढ़ विधानसभा की बात की जाए तो? देखिए, आपने जैसा पहले पूछा, ये चुनाव में हार जीत तो लगते हैं और कई बार चुनाव जो हैं अप्रत्याशित परिणाम भी देते हैं। आपने देखा होगा 2018 में भारतीय जनता पार्टी की अप्रत्याशित सीटें आईं और कांग्रेस ने भी जितना नहीं सोचा था उतनी सीटें आईं। तो निश्चित रूप से इसका आप एनालिसिस करेंगे तो इनके जो 36 वादे थे, एक भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। लोगों की आंख में जो धूल झोंक कर कांग्रेस ने वोट लेकर सरकार बनाने का काम किया। आज छत्तीसगढ़ की जनता, चाहे वो गांव का किसान हो, चाहे मजदूर हो, या नौकरी पेशा के लोग हों, या बुजुर्ग हों, या युवा हों, या महिलाएं हों, इस बात के लिए भली भांति कांग्रेस सरकार का, भूपेश बघेल जी का, इनका चेहरा जनता के सामने उजागर हो चुका है। और आज कांग्रेस कहीं भी नहीं है। छत्तीसगढ़ में आज हम देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत से भी ऊपर के साथ सरकार बनाने की स्थिति में है। आपने दूसरा ये स्थानीय मनेंद्रगढ़ विधानसभा की बातचीत किया है, ये सर्वविदित है कि यहाँ के विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल जी हैं, उनकी स्थिति चिरमिरी में क्या है, मनेंद्रगढ़ के लोग उनको किस प्रकार से रिस्पॉन्स देते हैं, आपस में शराब दुकान को लेकर दोनों विधायकों का लड़ना, ये सब जनता जानती है। इस मुद्दे पर भी मैं आऊंगा कि तो आज जो स्थिति परिस्थिति यहां बनी है, मुझे लगता है कि एक अनार और 100 बीमार जैसा स्थिति कांग्रेस में बना हुआ है। सारे लोग आपस में लड़ाई झगड़े में मस्त हैं और भारतीय जनता पार्टी अपने बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं के साथ तैयारी में जुटी हुई है। 15 साल आपने राज किया छत्तीसगढ़ में, उसके पीछे एक वजह था कि डॉक्टर रमन सिंह का चेहरा हमेशा सामने हुआ करता था। इस बार ऐसा है कि डॉक्टर रमन सिंह का चेहरा भी भाजपा पसंद नहीं करना चाह रही है। इसके बाद बृजमोहन अग्रवाल, जो भी सीएम के दावेदार अपने आप को समझते हैं, उनको भी लेकर कांग्रेस की कुछ ठीक रणनीति नहीं है कि उनको सीएम बनाया जाए ऐसी स्थिति में, जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस का देखा जाए भूपेश बघेल मोर्चा संभाले हुए हैं। यहां पर बिना नेतृत्व के ही भाजपा चुनाव लड़ने जा रही है, जो कि पहली बार ऐसा होगा शायद छत्तीसगढ़ में, इसको किस रूप से देख रहे हैं आप? देखिए, अभी तो चुनाव 6 महीना बचे हैं और ऐसा नहीं है कि डॉक्टर रमन सिंह जी का चेहरा
भाजपा के लोग या छत्तीसगढ़ के लोग देखना नहीं चाहते हैं। वो हमारे बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री 15 सालों तक रहे हैं और उनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के गांव, गरीब और किसान अपने आप को आत्मनिर्भर होने में, अपने पैरों में खड़ा होने में उनकी एक बड़ी भूमिका थी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि इसका निर्णय हमारे संसदीय बोर्ड में होता है कि किसको मुख्यमंत्री बनना है, किसको विधायक का टिकट देना है, कौन चुनाव लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा। और ऐसे में ये कहना जल्दबाजी होगा कि भारतीय जनता पार्टी बिना चेहरे का चुनाव लड़ेगी। अभी हमारे पास नरेंद्र मोदी जी एक पूरे देश में एक ऐसा चेहरा है जो भारतीय जनता पार्टी के सर्वमान्य हमारे नेता हैं। अभी वर्तमान में हम नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर और उनके द्वारा किए हुए कार्यों को लेकर और विगत 15 सालों में हमने जो काम किया है उसको लेकर चुनाव में जाएंगे। तो आप ये भी जानते होंगे कि विधानसभा चुनाव नरेंद्र मोदी के चेहरा को देख के नहीं होता है, स्टेट में जो सीएम होते हैं, जो प्रतिनिधित्व करते हैं, उनका चेहरा को देख के वोटिंग होता है। लोकसभा की बात अलग है, लोकसभा में सीधा प्रधानमंत्री का चेहरा देखा जाता है, मोदी का चेहरा देखा जाता है, लेकिन विधानसभा ऐसी स्थिति नहीं है। विधानसभा में क्षेत्रीयता होती है, जो क्षेत्र के नेता है वो सामने होते हैं, उनका चेहरा होता है। और इस बार आपके लिए काफी बड़ी मुश्किलें हैं क्योंकि नेतृत्व का अभी तक कोई अता पता नहीं है भाजपा का। देखिए, हमारे पास नेतृत्व की कमी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता नेतृत्व करने की क्षमता रखता है। मेरा कहने सीएम का चेहरा की बात हो रही है। नहीं, मैं सीएम के चेहरे की बात कर रहा हूं। हम कोई कांग्रेस पार्टी टाइप के नहीं है कि उधर में अपने जो गृह मंत्री तामध्वज साहू जी हैं उनको बोल दी कि आप सीएम रहेंगे, उधर में भूपेश बघेल जी को बोल दी आप सीएम रहोगे, सरगुजा में टीएस सिंहदेव जी को बोल दी आप सीएम रहोगे, बिलासपुर संभाग में अपने डॉक्टर चरणदास महंत जी को बोल दिए कि आप सीएम रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी यदि चेहरे के साथ चुनाव लड़ेगी तो एक ही चेहरा सर्वमान हमारे भारतीय जनता पार्टी तय होकर लड़ेगा, अन्यथा चुनाव के बाद जो भी स्थितियां बनेगी विधायक दल में नेता चुना जाएगा। किसानों की बात की जाए, आप किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, छत्तीसगढ़ में किसानों की हर स्थिति को आपने अच्छे तरीके से समझा है। केंद्र में बात देखा जाए तो किसान इतना आंदोलन किए हैं, अभी आपने देखा होगा कुछ महीने पहले ही मतलब आपको प्रधानमंत्री जी को भी ये बोलना पड़ा कि किसानों की उपेक्षा हो रही है, उनके लिए कोई ना कोई योजना बनेगी और जो भी योजनाएं दे रहे हैं उनके बेहतरी के लिए दे रहे हैं, लेकिन किसान खुश नहीं है, आंदोलन लगातार जारी है। वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ की बात किया जाए, छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई किसान आंदोलन नहीं हुआ, इसका मतलब छत्तीसगढ़ में किसान ज्यादा खुश है केंद्र की बजाय? नहीं, ऐसा क्यों, क्या लगता है? ऐसा नहीं है। आपने जो केंद्र सरकार के बारे में पूछा, तो नरेंद्र मोदी जी की ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने इतने बड़े व्यापक पैमाने पर किसानों का फसल बीमा प्रीमियम दर पे तय किया। दूसरा, जो पूरे देश में और छत्तीसगढ़ के भी 38 लाख ऐसे किसान हैं जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 6000 रुपए प्रतिवर्ष उनको प्राप्त हो रहा है। छत्तीसगढ़ के और पूरे देश के भी किसानों का जो समर्थन मूल्य था, जो 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार में था, उसका 1.5 गुना जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो 2014 में समर्थन मूल्य 15 रुपये के आसपास था, आज उससे 1.5 बढ़कर 20 रुपया 60 पैसा पतले का समर्थन मूल्य हो गया है। और जो आंदोलन की बात बार बार जो करते हैं, ये कुछ देश में ऐसे प्रायोजित लोग हैं जिनका काम ही आंदोलन करना है, ऐसे लोग करते हैं। और छत्तीसगढ़ में भी आपने देखा होगा यहाँ किसान खुश नहीं है, हमने कई बड़े बड़े आंदोलन किए हैं, चाहे वर्मी कंपोस्ट को जबरदस्ती 10 रुपये किलो देने की बातचीत हो, या खाद की कमी हो, या इनका 2 साल का पिछला बोनस को लेकर जो इन्होंने वादा किया था आज तक नहीं दिया, और इन्होंने रकबा कटौती किया और बारदाने की रकम इन्होंने नहीं दिया, ऐसे तमाम को लेकर जब मैं प्रदेश अध्यक्ष था, पूरे 2.5 सालों में हमने 49 ऐसे आंदोलन किए जिसमें से ग्राम स्तर तक, मंडल स्तर तक, सोसाइटी स्तर तक कई बड़े आंदोलन हमने किया। और आज छत्तीसगढ़ में किसान खुशहाल नहीं है, ये तो वक्त ही बताएगा। जो ये भ्रम में है कि छत्तीसगढ़ के किसान नाराज नहीं है, नाराजगी बहुत ज्यादा है कई बिंदुओं को लेकर। बहरहाल किसानों के मर्म को आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे क्योंकि छत्तीसगढ़ के किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। हम स्थानीय मुद्दों की बात करते हैं। जब भी विपक्ष को भूमिका निभाने की बात आई मनेन्द्रगढ़ विधानसभा में, तो वो चिरमिरी तक ही सिमट के क्यों रह गया? पूरी राजनीति सिर्फ चिरमिरी पे डिपेंड है, ना कि मनेन्द्रगढ़ विधानसभा भी आपका आता है, लेदरी भी आता है, लेकिन इन सब सारे जगह को छोड़ते हुए सिर्फ चिरमिरी ही केंद्र बिंदु क्यों बनाया जाता है?
चाहे वो कोल की बात हो, अगर अवैध रूपों से बात करने की बात हो, अगर भूमिका निभाना है विपक्ष को तो सिर्फ चिरमिरी में ही बात है, जबकि मनेन्द्रगढ़ में नहीं, मनेन्द्रगढ़ में सारा चीज चल रहा है, खुलेआम चल रहा है, लेकिन उसके लिए कोई आंदोलन नहीं, भाजपा वहां पर एकदम निष्क्रिय, ऐसा लगता है जैसे चिरमिरी में बंद कराना चाहती है, मनेन्द्रगढ़ में चाहती है कि चलता रहे। क्यों भाजपा भूमिका क्यों नहीं निभा पाई? नहीं, ऐसा नहीं है, चूंकि चिरमिरी एक बड़ा नगर निगम क्षेत्र है, यहाँ पूरे संगठनात्मक जो ढांचा है उसका 45% पोलिंग बूथ हमारे चिरमिरी मंडल में है, और स्वाभाविक है एक बड़ा मंडल होने की वजह से वहां कार्यक्रम ज्यादा हुए हैं। परंतु ऐसा नहीं है कि मनेन्द्रगढ़ में हमने कार्यक्रम नहीं किया, चाहे वो शराब दुकान को लेकर धरना प्रदर्शन हुआ, जो अवैध बार जो चल रहा था, सरकार के दबाव में आकर बोर्ड हटाना पड़ा, चाहे विधायक जी के खिलाफ मोर आवास मोर अधिकार को लेकर एक बड़ा चक्का जाम की बातचीत हम करें वो भी हुआ, जनजाति समाज के ऊपर जिस प्रकार से धर्मांतरण के खिलाफ आवाज उठाने पर रासुका लगाकर उनको बस्तर क्षेत्र में आदिवासी समाज के हमारे नेताओं को टारगेट करके टारगेट किलिंग भी किया गया, ऐसे तमाम बिंदुओं को लेकर हमने मनेन्द्रगढ़ में बड़ी धरना प्रदर्शन किया है। साथ ही साथ खड़गवा क्षेत्र में हमने कई धरना प्रदर्शन किया, किसानों को लेकर मोर आवास मोर अधिकार, जो प्रधानमंत्री आवास जो छत्तीसगढ़ में बंद है उसको लेकर हमने ऐसे तमाम बड़े कार्यक्रम खड़गवा मनेन्द्रगढ़ में भी किए हैं, क्योंकि चिरमिरी एक बड़ा क्षेत्र है इसलिए नैसर्गिक रूप से कार्यक्रम ज्यादा हुए होंगे। विधानसभा की बात की जाए, मनेन्द्रगढ़ विधानसभा का तो चर्चा का विषय ये बना हुआ है कि जो अभी विधानसभा चुनाव होने हैं उसकी जो रूपरेखा है वो लोकसभा चुनाव को तय करेगी, लोकसभा के जो कौन प्रत्याशी होंगे और लोकसभा का चुनाव किस तरह से भाजपा जीतेगी, ये इस विधानसभा में तय होना है। आपको क्या लगता है लोकसभा में कौन ऐसा प्रत्याशी हो सकता है जो सामने आएगा और कम से कम भाजपा को जीत दिखाएगा? क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं कि 3-4 ऐसे दावेदार हैं जो ऑलरेडी दिल्ली तक जाके अपना पूरा दारोमदार वहां सौंप चुके हैं कि हमको लोकसभा चुनाव लड़ना है, ऐसी स्थिति में आप किस रूप से देखते हैं? देखिए, पहला चीज तो आपको स्पष्ट बता दूं मैं कि भारतीय जनता पार्टी में दावेदारी नहीं होती है। कोई भी व्यक्ति, चाहे विधायक कहो या सांसद कहो, कोई दावेदारी पार्टी के पास अधिकृत रूप से पेश नहीं करता है। हमारे यहाँ परंपरा नहीं है, हमारे कई ऐसे अनुसांगिक संगठने हैं, भारतीय जनता पार्टी है उसके साथ अन्य संगठन है, और हमारे पास अन्य तंत्रों के माध्यम से जो जीतने वाला कैंडिडेट होगा, इस बार भारतीय जनता पार्टी उसी को ही विधानसभा हो या लोकसभा का टिकट देगी। लोकसभा में तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर, भारतीय जनता पार्टी के कमल फूल छाप पर स्पष्ट रूप से, उसमें कैंडिडेट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है, लेकिन विधानसभा में भी चेहरे का कुछ ना कुछ वोट होता है। तो निश्चित रूप से ऐसे पूरे 90 विधानसभा में जो जीतने वाले होंगे चेहरे, उन्हीं को भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी। ये सब मिथ्या है कि कोई दिल्ली जा रहा है कि रायपुर जा रहा है, हमारे यहाँ आने जाने की परंपरा नहीं है, गणेश परिक्रमा से हमारे यहाँ टिकट नहीं मिलता, टिकट की खरीद फरोख्त नहीं होती, ये सारे अन्य दलों में होता है। इन सब से हटकर भारतीय जनता पार्टी है। एक चाय बेचने वाला जब प्रधानमंत्री बन सकता है तो निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति विधायक या सांसद बन सकता है। ये तो ठीक है, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन आपके चिरमिरी के ही हैं जो NRI हैं, वो बकायदा अपना पूरा प्रोफार्मर बना के दिल्ली ले जाके देते हैं ये कि लोकसभा चुनाव लड़ना है। देखिए, अपने कोई भी कार्यकर्ता हूं, सभी की इच्छा पार्टी में जुड़कर होती है कि वो विधानसभा का नेतृत्व करे, लोकसभा का नेतृत्व करे। तो ऐसे में अपनी बायोडाटा जानकारी, चूंकि कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जो सक्रिय रूप से फील्ड में नहीं दिखते या संगठन की नजर में नहीं आ पाते, उनको ऐसा लगता है, परंतु संगठन सभी को देखता है। ऐसे में कुछ कार्यकर्ताओं की मंशा होती है कि अपने संगठन में ऊपर जो है मिलकर अपनी जानकारी, ब्यौरा, बायोडाटा ऐसा प्रस्तुत करें, ऐसा कुछ दिए होंगे। बाकी दावेदारी की परंपरा भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, उस दावेदारी को किसी के सामने प्रस्तुत करने की परंपरा नहीं है, और कोई दावेदारी प्रस्तुत भी नहीं करता। और मुझे ऐसा लगता है कि बायोडाटा वगैरह दे सकते हैं कोई भी, परंतु ऐसा दावेदारी नहीं है कि चुनाव लड़ने के लिए हम अपना कोई प्रत्याशी बनना चाहते हैं, ऐसा कोई आवेदन नहीं होता। सूत्रों की माने तो इस बार विधानसभा जीत कर लाने की पूरी दारोमदारी आपके ऊपर दिया गया है, क्या सच है? देखिए, ये तो नैसर्गिक रूप से है कि विधानसभा में मैं एक बार विधायक रहा हूं, एक बार पार्टी ने प्रत्याशी के रूप में भी दोबारा अवसर भी दिया। बहुत कम मंत्राल से हमने इस चुनाव को
लूज भी किया है, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ प्रदेश में किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जैसे बड़ी जिम्मेदारी के साथ साथ अभी कोरबा जिले का प्रभारी भी होने के नाते पार्टी की निश्चित रूप से एक मेरे से ज्यादा उम्मीद हो सकती है, परंतु ये कहना कि पूरा दारोमदार मेरे ऊपर है ऐसा नहीं है। हमारे एक एक कार्यकर्ता जो नीचे स्तर तक हैं, हमारी एक बहुत बड़ी टीम है बूथ स्तर से लेकर नीचे तक की भी, ऐसे सारे लोग मिलकर हम लोग इस बार जीतेंगे। और एक प्रमुख कार्यकर्ता होने के नाते एक बड़ी जिम्मेदारी पार्टी भी सोच रही है, आशा कर रही है कि एक बड़ी भूमिका मेरी होगी, और मैं भी ये मान रहा हूँ कि हमको ज्यादा मेहनत और ज्यादा जिम्मेदारी के साथ मेरे को काम करना पड़ेगा। निश्चित रूप से विधानसभा जिताने में मेरे अलावा हमारे एक एक कार्यकर्ता का बड़ा योगदान होने वाला है। क्या आपको नहीं लगता है कि मनगढ़ विधानसभा में डॉक्टर विनय जायसवाल के समकक्ष भाजपा में ऐसा कोई नहीं है, अगर आपको छोड़ दिया जाए तो जो चेहरा बन के विपक्ष की भूमिका में या भाजपा की तरफ से चुनाव लड़े और विधानसभा को जीत सके, ऐसी परिस्थिति में आप सबसे पहले किनको चुनना चाहेंगे? ऐसा कौन सा लगता है कि हाँ ये कार्यकर्ता मजबूत स्थिति में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार है? यदि ऐसा नहीं हो पाता है और उस परिस्थिति में अगर दारोमदार आपके ऊपर आता है कि नहीं आपको ही चुनाव लड़ना है और आपको जीत के लाना है सीट, क्या रणनीति है? देखिए, पहला चीज तो आपको बता दूं, मैं हमारे यहाँ ऐसा कोई आकलन नहीं होता कि कोई चेहरा बहुत ज्यादा एक तरफा अपने दम पे जीत सकता है या किसी के कहने से वो टिकट मिल सकती है। तो निश्चित रूप से ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेरे को ही चुनाव लड़ना है ऐसा है या फिर मेरे कहने से किसी टिकट मिलेगी, ऐसा नहीं है। पार्टी एक बड़ा फोरम होता है, कई माध्यमों से सर्वे और एनालिसिस के बाद जो भी जीतने की स्थिति जिनकी बनेगी तो उसको ही टिकट दिया जाएगा। मेरे कहने से या किसी व्यक्ति विशेष के कहने से किसी को टिकट मिलने वाली नहीं है। और निश्चित रूप से यदि पार्टी, हमारे यहाँ तो ये वैसा परंपरा नहीं है कि खुद ही लड़ा जाता है, पार्टी यदि बोलेगी विधानसभा लड़ना है तो निश्चित रूप से मैं दो बार तो लड़ी चुका हूँ, तीसरी बार भी लड़ूंगा। लेकिन यदि पार्टी बोलेगी नहीं भाई काम करना है, किसी अन्य को मौका देगी, तो ऐसी भी स्थिति में कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। निश्चित रूप से हमारा उद्देश्य है इस विधानसभा को जीतना और उसी दिशा में हम काम कर रहे हैं। प्रत्याशी मैं हूं या दूसरा हो या तीसरा हो, कोई भी कार्यकर्ता हो सकता है, ये मायने नहीं रखता कि मैं या मेरे कहने से ही प्रत्याशी हो तो हम सीट जीतेंगे, ऐसा नहीं है। इस बार इस सीट को हमारा जीतना तय है और हम बड़े अंतर से इस बार मनगढ़ विधानसभा को जीतेंगे। भाजपा कहेगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा, चाहे वो विधानसभा हो या लोकसभा हो। रही बात चुनाव लड़ने की, तो भाजपा जिसके ऊपर भी जिम्मेदारी देगी वो चुनाव लड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं हूं जो चुनाव लड़ूं, चुनाव भाजपा लड़ाती है और भाजपा का जो संगठन है वही चुनाव जिताती है। इन्हीं वादों के साथ श्याम बिहारी जायसवाल जी ने अपनी पूरी बात रखी। इसके साथ कुछ और भी चर्चा करेंगे, लेकिन हम ये आपको बता दें कि मनगढ़ विधानसभा में जिस तरह से भाजपा अपनी तैयारियों को लेके बूथ स्तर पर मेहनत कर रही है, ब्लॉक अध्यक्ष से लेके मंडल अध्यक्ष से लेके जो भी बड़े नेता हैं वो जिस तरह से तैयारियां कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इस बात का प्रतीक है कि इस बार विधानसभा चुनाव ही नहीं छत्तीसगढ़ में भी भाजपा की सरकार लाने का पूरा प्रयास नेताओं के द्वारा किया जा रहा है। जहां वहीं दूसरी तरफ देखा जाए कि भाजपा का जो नेतृत्व होता है, जो सीएम का चेहरा होता है, वो अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। ये बात हमने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किसान मोर्चा से जाना। इसके साथ ही अब आगामी समय में कौन नेता होता है ये तो वक्त बताएगा। इसी के साथ कुछ और सवाल लेते हैं। मेरा एक सवाल ये भी है कि आपके विधानसभा में कई नगर पालिका है, नगर निगम है, बावजूद आपको ऐसा नहीं लगता है कि इस बार विधानसभा और नगर निगम, नगर है विधानसभा में नगर निगम है लेकिन ऐसा कहीं दिखाई नहीं देता कि नगर निगम नाम की कोई चीज है, इसके पीछे क्या वजह है? क्योंकि एक ही परिवार के दो मुखिया हैं, ये भी एक वजह है, या फिर ऐसा है कि वहां एकल नीति चल रही है कि जो मैं चलाऊंगा वही चलेगा? देखिए, चिनमिरी नगर निगम की जो स्थिति है वो किसी से छुपा नहीं है, एक एक बच्चा बच्चा जानता है कि नगर निगम किस प्रकार से चल रहा है। वहां तो जो नगर निगम का कार्य है वो भी विधायक जी बोलते हैं कि मैंने करा दिया, विधायक के जो कार्य हैं वो नगर निगम के मेयर साहिबा बोलते हैं कि हमने करा दिया। तो आज
एक ही परिवार से, जो वंशवाद परिवारवाद की जो परंपरा कांग्रेस में रही है उसको आगे बढ़ाते हुए इस क्षेत्र में काम चल रहा है। और जब जब वंशवाद की परंपरा आगे बढ़ती है देश का विकास, क्षेत्र का विकास अवरुद्ध होता है। आज नगर निगम चिरमिरी में कोई ऐसे बड़े काम, 4 साल हो गए हैं होने का, एक भी कोई नामो निशान नहीं है। केवल भ्रष्टाचार के अलावा वहां पे कुछ नहीं हुआ है। चाहे वो एक बार स्वच्छ भारत का नारा लिखवाकर डबल तिबल पैसा निकालने का हो, या फिर कोरोना काल में जो सैनिटाइजर जैसे जीवन रक्षक चीजों में उसमें नकली सैनिटाइजर लोगों को देकर एक बड़ी भ्रष्टाचार करने की बातचीत हो, चाहे कोरोना काल में जो राशन लोगों को केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जो दिया जा रहा था उस पर एक बड़े घोटाला नगर निगम के द्वारा किया गया। तो ऐसे में आज हम चिरमिरी नगर निगम में देखेंगे तो केवल घोटालों का नगर निगम हो गया है, कोई भी डेवलपमेंट काम नहीं है। हमारी जलवर्धन योजना हमने 2018 में पूर्ण कर दिया था, 4 साल हो गए, 4.5 साल इनके होने जा रहे हैं, विधायक जी के और महापौर जी के भी लगभग 3.5-4 साल पूर्ण हो रहे हैं। इस बीच में लोगों के घरों में डिस्ट्रीब्यूशन लाइन बिछाने का काम इनके द्वारा नहीं हो पाया। अभी जो सड़कों के गड्ढे हैं उसको नगर निगम से करना चाहिए, तो ACCL के द्वारा जो हम लोगों ने प्रयास करके और केंद्रीय मंत्रियों के माध्यम से बातचीत करके रिपेयर का काम कराया है। नया कोई सड़क का निर्माण नहीं हुआ। लामीगोड़ा साजा पहाड़ जैसे क्षेत्रों में हमारी विद्युतीकरण की कार्य जो चल रहा था वो एक भी काम आगे नहीं बढ़ा। आज भी लोग नगर निगम के निवासी होकर अंधेरे में रहते हैं, पीने के लिए वहां तक पानी नहीं पहुंच पाया। हमारे समय में कुओं को हमने खुदवाना किया था, कुछ ट्यूबवेल्स लगाए थे। आज मूलभूत आवश्यकताओं के लिए हमारा चिरमिरी नगर निगम तरस रहा है, जबकि आज देश मूलभूत आवश्यकताओं को छोड़कर अपने विकसित देशों जैसी स्थिति को, हमारे भारत की जो रैंकिंग है उसको हम पहुंच चुके हैं। कांग्रेस के चहेते कहते हैं बिना है तो विश्वास है, क्या कहेंगे भाई? उनके चहेते ऐसा कह सकते हैं, लेकिन हम तो कहेंगे कि बिना है तो विनाश है। ये क्योंकि विनाश इन्होंने 5 साल में मरंगढ़ विधानसभा का किया। मैं तो आपके माध्यम से विधायक जी को चैलेंज करना चाहता हूं कि एक भी ठोस कदम जो धरातल पर करके दिखाए हो वो एक काम को बता दे मरंगढ़ विधानसभा, किसी सिंगल वर्क। मैं पेपर वर्क की बात नहीं करता हूं, बजट में तो कई बड़े बड़े चीज आते हैं, लेकिन जब तक उसकी स्वीकृति होकर राशि डिपार्टमेंट को आकर टेंडर लगकर कारण चालू हो जाए तब तक हम उसको नहीं मानेंगे। इन्होंने क्षेत्र का विनाश कर दिया। 50% की राशि रेलवे का जो नागपुर टू चिरमिरी रेलवे हाल्ट है उसको आज तक नहीं दिला पाए। हम चिरमिरी में सुनते आ रहे कि एडवेंचर पार्क बनेगा, वो खुद ही विधायक जी और वो क्षेत्र एडवेंचर बन गया है। लोग उनको और बोर्ड को देखकर ही संतुष्ट है। इन्होंने बड़ी बड़ी बातें की कि हमने हॉर्टिकल्चर कॉलेज खोल दिया, आज तक उसका अता पता नहीं है कब खोलेंगे भाई। इन्होंने कहा पॉलिटेक्निक कॉलेज खोल दिया, उसका कोई अता पता नहीं है कब खोलेंगे भाई। बेरोजगारों के लिए इन्होंने बातचीत किया था कि हम काम देंगे, क्या काम दिए? कोयला खोदवाने में लगवा दिए, उसमें कई लोगों का हाथ पांव टूट गए, 2 नंबर के काम, रात रात को हजारों की संख्या में लोगों को कोयला खोदवाने का रोजगार इन्होंने दिया, इसके अलावा तो कोई रोजगार मिला नहीं। ये बोले थे हम चिरमिरी को एक टूरिज्म क्षेत्र बना देंगे, तो टूरिज्म को थोड़ा मोड़ा देखने के लिए लोग जो ACCL के बंद पड़ी माइंस के जो छन्ना है, अन्य स्ट्रक्चर है लोगों के वो है, उसको लोग देखने आते थे, उसको भी कबाड़ियों द्वारा कटवा कर यहां से गायब कर दिया गया। ये तो इनका विकास है। शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ किताबें, 50 लाख किताबें चोरी हो जा रही हैं, और ये हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, आज तक पता चोरों का नहीं चल पाया। एक भी कोई कॉलेज में बिल्डिंग का निर्माण नहीं हुआ। जो वहां का गांधी भवन था ऑडिटोरियम वो बैठ गया है, एक सब्जेक्ट में नया PG कोई नहीं खोलवा पाए, एक प्रोफेसर नहीं ला पाए, प्रोफेसर कॉलोनी नहीं बना पाए। ये दुर्भाग्यजनक है कि चिरमिरी और मनेन्द्रगढ़ खड़गवा क्षेत्र का, कि मनेन्द्रगढ़ विधानसभा में कैसे विधायक मिले जो क्षेत्र का इन्होंने विनाश किया है। तो विनय है तो विनाश है, ये मैं आपसे कहना चाहूंगा। कंचन है तो फिर इच्छा में जो नारा है कंचन विकास की चाबी कंचन भाभी, तो चूंकि वो महिला हैं और भाभी जी हैं तो व्यक्तिगत तो कुछ कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन उसमें इतना कहना चाहूंगा
कि लगता है भाभी जी की चाबी किसी चिरमिरी की नाली में गुम गई है और उसको विधायक जी भी खोज रहे हैं, भाभी जी भी खोज रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी उनके जो खास हैं वो भी खोज रहे हैं, लेकिन वो चाबी नहीं मिल रही है। मुझे लगता है कि वो चाबी विधानसभा चुनाव के बाद हम लोग भी ढूंढ के लाएंगे तो ऐसा लगता है कि विकास होगा क्षेत्र का। फिलहाल तो चाबी मिलेगा नहीं, केवल भाभी जो है विकास की चाबी को गुमवा चुकी हैं, यही कहना चाहूंगा। भाभी जी ने विकास की चाबी को गुमा दिया है, वो कहीं नाली में खो गई है। विधायक जी खुद खोज रहे हैं, कांग्रेसी खोज रहे हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि जीत के आने के बाद चाबी हम ही खोज के लाएंगे, ऐसा कहना है पूर्व विधायक श्याम बिहारी जायसवाल जी का। फिर हम मिलेंगे और फिर चर्चा करेंगे, इस कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए डीडी समाचार। नमस्कार।